अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक टोट के चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ, इस वीडियो में आपको दुश्मन से निजात पाने का वजीफा बताऊंगा। देखिए, दुश्मन से हर एक शख्स परेशान रहता है इस दुनिया में, ना चाहते हुए भी दुश्मन जाते हैं। इसलिए आज हम से निजात कैसे पाएं, दुश्मन से निजात का वजीफा, दुश्मन को दूर भगाने का वजीफा अमल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको कि वीडियो प्रिय है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, जानकारी हासिल कीजिएगा कि कैसे आप अपने शत्रु से निजात हासिल कर सकते। देखिए, आप जो यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इस्लामिक टोट के, जिसमें आपको जानेंगे दुष्ट निजात कैसे पाएं और तरह तरह के काले जादू से निपटने का, काले जादू से आप दुश्मन का नाश कैसे कर सकते हैं, तरह तरह की वीडियो, लाभकारी वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण हो सके। जो भी आपकी मन्नत है, वो मन्नत आपकी जल्द ही कबूल होगी अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेकर आता रहूंगा। कभी कभी हम बिना किसी कारण के भी दुश्मन बना लेते हैं। आपको द्वारा किए गए कार्य लोगों के लिए दुश्मनी करने के विभिन्न कारण बन सकते हैं, लेकिन एक बार जब आप इस बात को जान लेते हैं कि आपका कुछ दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप सहज महसूस नहीं करते। आप सोचते हैं कि न जाने वो कौन सा प्लान बना रहा होगा, न जाने वो किस मोड़ पर क्या प्लान बनाएगा आपके लिए, जिससे कि वो नीचा दिखाने की, आपको नीचे गिराने की कोशिश में लगेगा। तो और आप इससे प्रभावित भी होंगे। ऐसे परिश्रम में आप देखिए बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, तो घबराइएगा मत। आज दुश्मन से छुटकारा पाने का मैं अमल वजीफा बताऊंगा आपको, जिससे आपको निजात मिलेगी दुश्मन से। तो आपको करना क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। जो भी मैं आपको अमल वजीफा बताऊंगा उसे सुनिएगा ध्यान से, और इसका इस्तेमाल बाद में कीजिएगा। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि एकांत में, एक ऐसे कक्ष में बैठना है जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दुश्मनों में परिवार की रक्षा के लिए इस वजीफे को आजमाएं। दुश्मन को रोकने और शांतिपूर्वक सकारात्मक जीवन का आनंद लेने के लिए इस वजीफे का उपयोग कीजिएगा। तो अपने शत्रु का नाम लेकर आपने 100 बार सच्चे मन के साथ वजीफा पढ़ना होगा। तो वजीफा थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा आसान भी है। आपके लिए बहुत मुश्किल होगा अगर आप पहली बार सुन रहे हैं। तो आपको क्या बोलना है, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको बताऊंगा। आपने बोलना है रहमतुल्लाह रहमान, असले वालेकुम, अब्दुल्ला वकार रसीम, वल्लेदीन अब्दुल्ला रहीम। आपने इसे बोलना होता है। तो देखिए, ध्यान से बोलना होगा। इस वजीफों को लगातार 1 महीने तक पढ़ना होता है। आपको दुश्मन पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो जाता है। वो स्थिति में ही नहीं रहेगा कि आपके दुश्मन ही नहीं भा पाए। इस प्रकार आपको बहुत ही आसानी से जो भी दुश्मन है उसे छुटकारा आपको मिल जाएगा। इस वजीफे का प्रयोग तभी करें जब आपको लगे कि आपका शत्रु बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि आपका जीवन हराम हो रहा है। तो देखिए, इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अब चाहे तो आप क्या करना, कमेंट बॉक्स में जाना, अपने शत्रु का नाम लिख कर आपने हमें सेंड कर देना, कमेंट लिखकर आपने भेज देना। हम आपकी समस्या का समाधान गारंटी के साथ करेंगे। जो भी आपकी समस्या है आप लिखकर भेज सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अपने दुश्मन का नाम लिखकर भेज सकते हैं। अब किस टॉपिक पर वीडियो लेकर आए, आपके लिए क्या समस्या आपकी, वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट में। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो, तो आपकी स्क्रीन पर महान जो मौलवी जी हैं हमारे, उनसे आप वार्तालाप करना चाहते हैं, तो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, इसी नंबर पर कॉल कर आप समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में दुश्मन से निजात पाने का मैंने वजीफा आपको फरमाया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, नई वीडियो आपको बताएंगे।